सारा वीडियो बनाया इस टॉपिक पर कि स्क्रीन यानी जो तिरछापन है वो कैसे ठीक हो, और इस पर मैंने सब प्रकार के वीडियो बनाया जैसे जैसे आपने कमेंट किया। शुरू में मैंने तीन ही इम्पोर्टेंट समझा और आप लोगों ने और उसे बढ़ा दिया और डिमांड करने लगे कि ये इस पर बनाइए इस पर बनाइए, तो मुझे बनाना पड़ा फिलहाल कि अब तो ऐसे बनाते बनाते मैंने कुछ अधिक वीडियो बनाया। और फिर भी आपने एक और डिमांड किया कि इस पर एक बनाओ, मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर और कमेंट में ये चीज ज्यादा आने लगी कि कौन से सीजन में कराएं, कौन सा सीजन बेहतर रहेगा। तो इसके लिए मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मैंने डॉक्टर से बात की थी अपने स्क्रीन का ऑपरेशन कराने से पहले, तो उसमें उसने बताया कि इसका कोई मतलब सीजन नहीं होता है कि किस में कराएं, लेकिन आप अपने हिसाब से देखें कि किस में कंफर्टेबल रहेगा। और जैसे गर्मी जब बीत रही हो या गर्मी जब आने वाली हो या ठंडी बीत रही हो ऐसे में कराएं, जैसे मैंने सितंबर अगस्त में जैसे इसमें गर्मी जाने लगती है और ठंड आने लगती है, तो इतना जल्दी तो मतलब चालू नहीं होता, गर्मी ही रहती है लेकिन कम हो जाती है जून जुलाई से, तो मैंने वो चूज किया। और जब आदमी को पता चल जाता है कि अभी ठीक हो सकता है तो उतावला हो जाता है किसी भी मतलब करा ले। तो मेरा भी ये नहीं था कि मैं उसका डेट रखा हुआ था कि अगस्त में ही जाऊंगा सितंबर में ही जाऊंगा, मुझे नहीं पता चला तो मैं गया और फिर उसके बाद आया तो मम्मी को लेके गया, ये मैं बताया था। और किसी में भी करा सकते हैं, जैसे ठंडी का दिन हो तो इसमें स्वेटर मफलर ये सब बांधना पड़ता है, तो थोड़ा ठंड जब कम हो जाए तो जाइए, और जब ज्यादा गर्मी भी रहेगी तो दिक्कत होगा जैसे रहने में, लेकिन हॉस्पिटल में शहर में तो कोई दिक्कत नहीं होगा बिजली के कारण, तो इसमें ये भी आप देख लें, तो थोड़ा कम हो जाए गर्मी तो ही जाए, और वहाँ रहने का व्यवस्था के ऊपर डिपेंड है कि कैसे होगा, और जब व्यवस्था अच्छा है तो भी बढ़िया रहेगा, नहीं है तो आप अपना देख लें कि कैसे में गए। और होम्योपैथिक वाली बात रही तो होम्योपैथिक में भाई हम इसका डायरेक्ट तो नहीं बता सकते, पर थोड़ा टाइम लेंगे और कैसे कैसे ठीक हुआ कितने का ठीक हुआ कुछ जानकारी लेंगे उसके बाद ही मैं बता सकता हूँ, नहीं तो ऐसे ही मैं गलत सलत नहीं बताऊंगा। और इससे मैंने जब भी स्क्रीन के डॉक्टर से आप अगर बात करते हैं कि हमें किस सीजन में कराना चाहिए कैसे कराएं, तो अपना बता देगा कि अभी करा लो कुछ नहीं होगा, मुझे भी ऐसे ही बोला था उससे कुछ होता नहीं है, लेकिन सच में कुछ नहीं होता उसमें। मेरा भी जब हुआ था तो मैंने मिठाई भी खाया था बहुत कुछ दिन बाद, जैसे 5-6 दिन बाद मेरे सामने बर्थडे पड़ गया घर के आगे तो वहां पे मैंने मिठाई भी खा लिया, तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो ठीक हो जाता है। और आपका ड्रॉप चेंज करते रहते हैं कि कौन सा ड्रॉप दे तो आपका जल्दी से अच्छा हो जाएगा, और तो चेंज करेंगे और जो जहाँ पे रहेंगे वो चेंज करेंगे, और जिस पर नहीं रहेंगे वो तो आप देख लें कि कैसे कौन सा यूज होगा, तो इसमें कोई रिक्स वाली बात नहीं है। और आप लोग कमेंट करते हैं तो हम अपना प्लेलिस्ट का लिंक दे देते हैं कि जाके सारा वीडियो देख लो, और इंस्टाग्राम और मैसेंजर पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं तो मैं सबका रिप्लाई दे देता हूँ, सबका और सारा कमेंट में भी रिप्लाई दिया हूँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तब भी किसी किसी ने कुछ कुछ बोल देते हैं उल्टा सीधा, उनको क्या मतलब क्या समझ लेते हैं अपने आप को। और कमेंट में किया था कि भाई इसको ईगो हो गया है, मतलब हमको ईगो हो गया है, अगर मुझे ईगो हुआ होता तो मैं किसी का रिप्लाई नहीं देता, डायरेक्ट वो मैं अपना लिंक देता, फिर रिप्लाई भी देता हूँ, लिंक भी देता हूँ कि लीजिए देख लीजिए, और फेसबुक इंस्टाग्राम सब पर मैंने आपका रिप्लाई दिया है, सब पर मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ लेकिन टाइम निकाल के दे देता हूँ कि भाई वो भी मेरे ही तरह है, मुझे जितना दिक्कत हुआ उसे भी हुआ होगा, तो सोचते हैं कि जो जर्नी मुझे तय करना पड़ा है उसे आप तय ना करें, अपने पेरेंट्स को दिखाएं। और बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि क्या ये सब कर रहा है वो, तो ऐसा कुछ बात नहीं, और आप बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हैं वीडियो पे, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। और ये प्रॉब्लम ये एक और है कि मुझे एड्रेस दे दो हॉस्पिटल का और हॉस्पिटल का डॉक्टर का नंबर दे दो, तो
तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो प्राइवेट और लिमिटेड है, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का हाथ है, ठीक है। तो इसमें वो डॉक्टर नंबर देता नहीं है, मुझे भी नहीं दिया, ठीक है। लेकिन शुरू में दिया था, और जब मैं शुरू में कराया था तो अपना जैसे मेरा फोटो लेने के लिए जो ठीक हुआ, मैंने फोटो खींचा था पहले वाला, वो मांगने के लिए मुझे नंबर दिया था, पर मैं मेरा जो उसमें फोटो खींचा था वो मोबाइल ही भूल गया, ठीक है। तो उनका डॉक्टर का नंबर भी भूल गया, ठीक है। और उसमें मेरा एक जान पहचान का था उसमें, तो उसका भी नंबर उसी में चला गया। तो अब किसी तरह भी मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो अगर होता भी तो डॉक्टर नंबर नहीं दे रहा है, समझ गया, जब फोटो मांगना था तब मुझे वो नंबर दिया। तो मैं जा रहा था वहां से घूमने, तब तक मेरा मोबाइल चुरा लिया। तो अब बोलेंगे कि पहले वाला तो फोटो कैसे ला दिया जब नंबर नहीं आएगा। तो हाँ, ये मुझे मालूम नहीं था कि जैसे गूगल में जैसे जो होता है ईमेल आईडी, उस पर नंबर डाल दिया जाता है, और फोटो का भी मुझे मालूम नहीं था। पर अपने आप कुछ का बैकअप हो गया था, तो अपना मतलब बैक वो आ गया, ठीक है। और मैंने लैपटॉप में रखा हुआ था पर फोटो, तो उससे भी आ गया। मैं बाद में जब घूमने गया तो वो भूल गया मोबाइल, तो मैंने नंबर तो सब मेरा उसी में चला गया, और फोटो था मेरे लैपटॉप में, और इस पर से भी आ गया, गूगल पर से भी, तो मुझे फोटो का कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो ये बात है, हम उसका नंबर नहीं दे सकते डॉक्टर का, आप जरूरी नहीं कि वहीं पे करें, ठीक है। मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, हॉस्पिटल पे मैंने दो वीडियो बनाया है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप उसी में जाए, आप बढ़िया डॉक्टर से बात कर ले, कहाँ पे रहते हैं वहाँ नजदीकी में, तो आप हमसे ही पूछने लगते हैं, भाई यहाँ पे कोई डॉक्टर बढ़िया बता दे, यहाँ पे कोई बढ़िया डॉक्टर। भाई आप इंटरनेट से सर्च कीजिए, आप जिस एरिया में आप नहीं बता पाएंगे तो हम कैसे बता दें। आप बता भी दिए, मान लीजिए अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो आप मुझे बोलेंगे। तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे वीडियो देखिए। और अगर आप फिटनेस से रिलेटेड, जैसे अपना हाइट को लेके, फिटनेस से लेके रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैंने एक और चैनल बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इधर प्लेलिस्ट के साइड में चैनल पे जाइए, आप वहां से पा सकते हैं वीडियो। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं आप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में।